नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। तमाम दर्शकों को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश मां की आराधना में लीन है और भक्तों की तस्वीरें कई जगहों से लगातार आ रही हैं। महानवमी के दिन आज कन्या पूजन किया गया, कई जगहों पर हवन किया गया और लोग मां की आराधना में सराबोर दिखे। कई जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और वहां से तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे, किस तरह से लोग दुर्गा पूजा की खुमारी में डूबे हुए हैं। हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं शहनवाज। शहनवाज का रुख करते हैं और वो तस्वीरें आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचाते हैं कि लोग किस तरह मां की आराधना में लीन है और किस तरह आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। शहनवाज, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के हरमू स्थित पंच मंदिर के पास, जहां पर जो हरमू पूजा पंडाल बनाया गया है, वहां की सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी ब्रजेश आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से आज बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो तमाम जो भक्त हैं जो मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पूरा फ्रेम आपको नजर आएगा किस तरह से भरा हुआ है। ये तस्वीरें बयान कर रही है कि जैसे ही बारिश कम हुई और मौसम ने सहयोग दिया, उसके साथ ही ये तस्वीरें तमाम पंडालों में हमें नजर आने लगी है कि बड़ी संख्या में मां के भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी जो ब्रजेश है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूजा पंडाल के अंदर जाने का मुख्य द्वार है, वहां की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स को रखा गया है, सुरक्षा कर्मियों को रखा गया है, होमगार्ड्स के जवानों को रखा गया है, ताकि जो भीड़ को कंट्रोल किया जाए, उसको संयमित किया जा सके। कुछ एक आयोजक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार जो पूजा पंडाल में जो भीड़ उमड़ी है, इसकी क्या उम्मीद थी और मौसम ने साथ दिया उसके बाद और ये बढ़ गई है भीड़? देखिए, पिछले दो साल से जैसे कि 2020 और 21 में पूजा नहीं के बराबर कोरोना के चलते हुआ, निश्चित रूप से इस बार काफी लोगों में उत्साह पूर्व से थी। ऐसा हम लोग को महसूस हुआ कि वर्षा कुछ बाधा डालेगा, लेकिन इंद्र भगवान ने जैसा कृपा बरसाई है, देख रहे हैं कि वर्षा, मौसम भी ठंडा और वर्षा भी नहीं हो पा रहा रांची में, तो जिससे लोग काफी उत्साहित होके घूम रहे हैं। अपना हरमू का जो पंडाल है पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति का, उसमें बच्चों पर आधारित थीम इस बार यहाँ रखा गया है, इसलिए काफी संख्या में परिवार लेकर के रांची और रांची के आसपास के लोग यहाँ पधार रहे हैं और यहाँ माता का दर्शन में लोग लगे हुए। काफी कल भी भीड़ था, लेकिन कल कुछ वर्षा बाधा डाला, लेकिन आज बहुत बढ़िया उत्साहपूर्ण लोग आ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि और भी तस्वीरें आपको दिखाएं। हमारे सहयोगी ब्रजेश वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल आपको नजदीक से उन तस्वीरों का मुआयना कराएं, ताकि आपको अंदाजा लगे कि किस तरह से इस बार राजधानी रांची के लोग जो हैं दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इसे मना रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको अंदाजा लगेगा। पहले भी हम लोग ने हरमू पूजा पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें देखने के बाद आपको बिल्कुल अंदाजा होगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम पूजा पंडाल को थोड़ा नजदीक जाते हैं और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अंदर जाना बेहद मुश्किल है, बावजूद इसके हमारी कोशिश है कि हमारे दर्शकों तक अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको मिल सके, देख सके। और सामने में देखिए, माँ के दर्शन के लिए तमाम हजारों हजार की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सुबह से ये आलम जो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, क्योंकि आज बारिश ने पूरा ऑपरेट किया है, मौसम ने पूरा साथ दिया है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं। और यहाँ पर आपको पांव रखने के लिए जमीन भी मयसर नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ निकले हैं अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, घर परिवार के साथ निकले हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से इस बार कोरोना के इम्पैक्ट के दो वर्षों के बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दुर्गा पूजा मनाने के लिए निकले हैं। बाहर हम ले चलते हैं आपको, ताकि वो तस्वीरें आप देख सके। यहाँ से तस्वीरें आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो हुजूम है वो पूजा पंडालों की तरफ आया है। ये तस्वीर
समिति ने बयान कर रही है कि जो दुर्गा पूजा के आयोजन समिति के जो लोग थे, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, उसके लिए तमाम जो व्यवस्था की गई थी, आज वही चीजें काम कारगर साबित हो रही है। और जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, होमगार्ड के जवान हो, तमाम लोगों के सहयोग से ये स्थिति आप तक पहुंच पा रही है। तमाम देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे हुए, आप कहाँ से आए हुए? हम लोग रातू से आए हुए हैं। क्या लग रहा है आज तो मौसम ने पूरा साथ दिया? हाँ अभी तो सही है, घूमने के लिए सही है। और कैसा अनुभव रहा इस साल कोरोना के दो साल का? बहुत प्रॉब्लम रहा, सभी को बहुत प्रॉब्लम हुआ, अब सब मार्केट सही हो रहा है। और यहाँ पर आने जाने में कोई दुश्वारी, कोई परेशानी? ना ना उससे कोई परेशानी। उनकी माता जी कहाँ है? देखिए इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं और किसी तरह ये यादगार पल को अपने। दीदी आप कहाँ से आई हुई है? नामकुम से आए। कितनी दूर से आई हुई है आप? कैसा लगा, क्या लगा? बहुत अच्छा यहाँ का, बहुत अच्छा। बारिश नहीं हुआ इससे बढ़िया और क्या बात है। कल तो बहुत बुरा बारिश हुआ था, कल तो घूम भी नहीं पाए थे, बहुत अच्छा लगा। कल जो कमी रह गई आज वो पूरी हो गई। हाँ पूरी हो गई। दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए अपने बच्चों के साथ जो माताएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं और आज के दिन को कैप्चर करना चाहते हैं ताकि अगले साल उसको याद रखा जाए। आप कहाँ से आए भाई साहब? हरमू। हरमू से? कैसा लग रहा है इस बार का, क्या तैयारी? बहुत ही अच्छा है। बारिश की वजह से जो परेशानी? बारिश की वजह से थोड़ा परेशानी हो गया है मेला में, बाकी बहुत ही अच्छे हैं पंडाल हरमू के। देखिए तमाम जो लोग हैं अपने स्मार्टफोन में उन तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं, ले रहे हैं और ताकि वो याद रहे कि अगले पिछले साल कैसे कुछ चीजें हम लोग ने देखी है और इस बार क्या कुछ हो सकता है। हाँ बताइए। बोलो बेटा कैसा लग रहा है मेला? अच्छा। अच्छा। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में किसे अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि दो साल जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना का इम्पैक्ट रहा, उसके बाद लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं, उसी का ये नजारा है कि देखिए पूरा का पूरा जो अंदर का जो इलाका है, पूरा जो एरिया है वो पूरा फुल हो चुका है। वॉलंटियर्स को काफी परेशानी हो रही है, मैनेज करने में परेशानी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी मार्ग व्यवस्था हम कह सकते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग भी देखिए वहाँ कंटिन्यू बैठे हुए हैं, चाहे जेएमएम के नेता मनोज पांडे हों, पार्षद अरुण झा हो, बीजेपी के नेता हों, तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और स्थिति को देख रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, इससे बेहतर और क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये और दूसरी छोर लगातार बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि लोग भी निराश हो रहे थे कि पता नहीं वो अब बाकी पंडालों को घूम पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी जब मौसम खुला है तो वो उत्साह दोबारा नजर आ रहा है और पंडालों में इसी तरह भीड़ उमड़ पड़ी है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतवर्ष विज्ञान केंद्र के रांची शाखा के द्वारा ये फोरकास्ट किया गया था कि ये बारिश का इम्पैक्ट नौवीं दसवीं तक रहेगा, उसका असर कल तक हम लोगों ने देखा। आज नौवीं के दिन तो बहुत कुछ खुला हुआ मौसम रहा, हालांकि फर्स्ट हाफ में बारिश हुई, बावजूद उसके सेकंड हाफ में बहुत अच्छा मौसम रहा, उसी का ये कारण है, उसी का ये उदाहरण आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बारिश छूटने की वजह से ही निकल पा रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ यहाँ पर आ पाए हैं। अगर ये बारिश होती तब यकीन जा रही है कि कल हम लोगों ने ओसीसी पूजा पंडाल का दृश्य देखा था, वहां देख करके आपको यकीन नहीं हो रहा था कि ये पूजा पंडाल का दृश्य है और ये दुर्गा पूजा का वक्त चल रहा है। तमाम आयोजक परेशान थे, स्टॉल लगाने वाले लोग परेशान थे, तमाम आने वाले लोग किसी जगह पहुंच रहे थे वो भी कि बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्थिति बदलती हुई हमें नजर आ रही है। और जो एक हुजूम बिल्कुल चल करके आ रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ इंसान ही नजर आएंगे, बाकी जो खिलौने बेचने वाले दुकानदार हैं और बच्चे हैं वही नजर आएंगे। इन्हें कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था है वो मैंने पहले बताया कि बहुत अप टू मार्क है, जिसका असर दिख रहा है कि चीजें जो है नियंत्रित है, कंट्रोल में है। तो ये स्थिति हर मुख पूजा पंडाल की है, तमाम पूजा पंडालों में यही स्थिति है, चाहे बकरी बाजार कर ले, आर आई स्पोर्टिंग कर ले, ओसीसी पूजा पंडाल कर ले या बांधगाली, कहीं की भी आप बात कर ले रांची में, तमाम जगहों पर यही स्थिति हम देख पा रहे हैं। जो वहां से खबरें आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है, वहां से तस्वीरें आ रही है, बता रही है कि सब कुछ बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और तमाम जो लोग हैं वो आसानी के साथ, सहूलत के साथ माँ के दर्शन कर रहे हैं। जो व्यवस्था की गई है उसका प्रतिफल मिला है, किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं है, तमाम लोग सहूलत के साथ माँ के दर्शन संलग्न है। हम लोगों ने पूजा हरमू पूजा पंडाल का
इस वजह से चयन किया है आज के दिन में, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पूजा पंडाल में आए थे और उन्होंने यहाँ पर काफी वक्त गुजारा था। उनकी धर्म पत्नी भी कल्पना सोरेन पहुंची थी, तमाम जो नेता थे वो लोग पहुंचे थे। तो हम लोगों ने देखा कि क्या मुख्यमंत्री के आने के वक्त ही स्थितियां कंट्रोल में थी या उसके बाद भी थी, तो आज भी हमें ये देखकर महसूस हुआ कि नहीं, स्थितियां बिल्कुल अप टू मार्क है और मुख्यमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, स्थिति बहुत बेहतर है। और यहाँ तमाम चीजें आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पूजा समिति के लोगों ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है, जिसका असर हम देख पा रहे हैं दूर दराज से। और एक बात ये भी बता दें कि बीच का जो ये छोर है यहाँ पर वॉलंटियर्स को रखा गया है, और एक तरफ जेंट्स के लिए, दूसरी छोर में लेडीज के लिए रखा गया है, ताकि जो आने जाने में दुश्वारी ना हो और उनका एक डिवीजन हो सके, ताकि उनको नियंत्रण करने में आसानी के साथ उनका सामना किया जा सके। तो ये स्थिति कमोबेश हम पूजा की, पूजा पंडाल की है। दूसरे स्थानों पर जब आप बात करेंगे तो वहां भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई। आप दीदी कहाँ से आए हुए? नामकुम से। नामकुम से इतने दूर आकर क्या यहाँ नजर आया, जो सोचित वो नजर आ रहा है? हाँ अच्छा है, लॉकडाउन के बाद ये पहला दुर्गा पूजा है जो देख कर लग रहा है कि हाँ सब बिना मास्क आया, पर हम मास्क लिए हुए हैं, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए लिए हुए हैं। बेटी आप जी ठीक है? हाँ। क्या सोची थी यहाँ आकर क्या मिलेगा? देखिए बच्चों के लिए बड़ा थीम तैयार किया, सरप्राइज दिए, बहुत सरप्राइज दिए, सुपर हीरो नजर आ रहा है। सुपर हीरो लाने का वैसा कुछ नहीं था, मौसम का जो स्थिति है तो इसको बोले कि चलो घुमा के लाते हैं, पर अचानक से लाए तो इसको सरप्राइज हो गया। आप दीदी कैसा लग रहा है, दो साल के बाद ये मौका लगा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा खुला खुला लग रहा है, घूमने के लिए मिला बहुत दिन के बाद, लगता है कि हमको लगता है 3 साल के बाद हम लोग ऐसे निकल पाए हैं, नहीं तो ऐसा भीड़ देखने के लिए नहीं मिल रहा था, अभी भीड़ तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था कि इतनी बारिश हो रही है कैसे लोग जा पाएंगे, आज का दिन लग रहा कि बारिश तो होगी नहीं, तो बिल्कुल सामान्य है। जब ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है, ऊपर वाला मेहरबान हो जाए तो तमाम समस्याओं का निदान हो जाता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं रह जाती है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो परिवार के साथ सुकून के साथ पहुंच पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, और उन्हें कोई दुश्वारी कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही है उससे कहीं ना कहीं एक आउटलाइन आपको मिल रहा होगा कि जो तस्वीरें हैं वो कितनी बेहतर है, कितनी सुंदर है। और देखिए एक परिवार जो है अपने बच्चे के साथ यहाँ पहुंचा हुआ है, दीदी को भी बुला लिया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मस्त है, बहुत दिन से 2-3 साल के बाद हुआ है तो अच्छा ही लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है तो उमंग है मेला का, तो कोई ऐसा इसके बाद कहाँ जाना? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कहाँ जाना है, कौन सा? उसके बाद अब देखते हैं आगे कौन कौन सा पंडाल है। जो लोग हैं घर से परिवार से ही तय करके आते हैं कि कहाँ जाना है, कौन कौन से पूजा पंडाल का भ्रमण करना है और क्या रूट होगा, क्योंकि आपको आने जाने में भी दुश्वारी होती है इतनी गैदरिंग की वजह से, लिहाजा उसके में कंट्रोल किया जाता है घर से निकलने से पहले कि क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है। तो ये कमोबेश स्थिति है। और जी ट्रैफिक व्यवस्था में जो बदलाव किया गया है, काफी दूर लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी है, पार्क करनी पड़ी है, ऐसे में बच्चों के साथ पंडाल तक पहुंचना लोगों को थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है, क्या इसकी शिकायत भी लोगों ने की? बिल्कुल, देखिए हम लोग जब यहां तक पहुंचे तो काफी दूर ही गाड़ियों को हम लोग को रोक दिया गया। हालांकि ये माना जाता है कि प्रेस को आने जाने की थोड़ी आजादी, थोड़ा प्रिविलेज मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उसका प्रिविलेज नहीं लिया, क्योंकि तमाम लोगों का ध्यान में रखते हुए कि आने जाने वाले लोगों को दुश्वारी नहीं हो, परेशानी नहीं हो, लिहाजा हम लोगों ने भी बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में ही गाड़ियां रखी हैं। और करीबन मुझे याद है कि करीबन एक सप्ताह पहले ही ट्रैफिक डीएसपी ने रूट चार्ट जारी कर दिया था। तस्वीरें आप दिखाते रहिए ब्रजेश साहब, तस्वीरें दिखाएं। मैंने कहा कि डीएसपी साहब ने पहले ही रूट चार्ट जारी कर दिया था ताकि जो लोगों को पता चल जाए कि आने जाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी। उस खास करके महात्मा गांधी मार्ग में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो इस तरह की गाड़ियों की आवाजाही नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ये कहने की सुकून देने वाला है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घर परिवार के साथ गाड़ी आप पार्क कर दे और आराम के साथ आप बाई फुट आपको आना जाना करना हो, उसमें कोई दुश्वारी नहीं होती है, क्योंकि आज मौसम भी ठीक है, ट्रैफिक जो है वो उसमें गाड़ियां नहीं, लिहाजा से आपको आम आदमी के सामने आना जाना है, उसमें कोई दुश्वारी परेशानी की बात नहीं है। ये लोगों की सहूलियत के लिए है, उनकी उनपे हेल्प करने के लिहाज से है, लेकिन
जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आने जाने में दुश्वारी होती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लिहाजा हम इस बात को इग्नोर भी कर देते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो अप टू मार्क है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को आने से रोक दिया गया है, महात्मा गांधी मार्ग में छोटी गाड़ियों को आने जाने से रोक दिया गया है, जो पूजा पंडाल है उससे काफी पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो, होमगार्ड के जवान हो, जिला प्रशासन के लोग वो वहां पर मौजूद रहते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कुछ बदलाव किए गए हैं तो वो भक्तों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि उनको आने जाने में किसी तरह की दुश्वारी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लिहाजा इसका कम से कम वेलकम जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग को आप अगर छोड़ देंगे उसके साथ में गाड़ियां भी रहेंगी और हॉर्न की आवाज रहेगी, डिस्टर्बेंस होगा, एक्सीडेंट है, लड़ाई झगड़े का डर रहता है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की जो कवायद है उसका वेलकम होना चाहिए। जी तस्वीरें दिखाने के लिए तो रांची के हरमू की ये तस्वीर आप देख रहे थे कि किस तरह से वहां पर जो पंडाल लगा वहां पर लोगों की भीड़ जुट रही है और बच्चे भी काफी खुश हैं। मौसम जिस तरह से सुबह हो रहा था, लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि आखिरी दिन शायद वो पूजा पंडाल नहीं घूम पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मौसम जैसे ही खुला भीड़ लोगों की जमा हो गई, भक्तों की भीड़ जमा हो गई पंडालों में और लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं पूजा पंडालों में, माँ की आराधना में जुटे हुए हैं। आज महानवमी है, कई जगहों पर कुंवारी कन्याओं को आज उनका उनकी पूजा की गई, उन्हें भोज कराया गया, भोग लगाया गया और माँ से सभी मन्नतें मांग रहे हैं आज, क्योंकि इसके बाद फिर जो रौनक थी पंडालों की वो कल से नजर नहीं आएगी। कल रावण दहन के साथ ये 9 दिनों का जो उत्साह था, जो भक्ति भावना नजर आ रही थी पूरे वातावरण में, कल रावण दहन के साथ ही इस त्यौहार का समापन हो जाएगा। हालांकि उसके बाद ये उत्साह बरकरार रहेगा क्योंकि दीपावली और छठ अभी आने वाली है, लगातार त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो एक आध्यात्मिक माहौल था, एक पवित्र माहौल था माँ के आगमन को लेकर, उसे कहीं ना कहीं